ओ भाई लोग, आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे जियो फोन की। कैसे शॉप करना है, कैसे परचेस करना है, भाई सब कुछ कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ना। तो ऐसे बताऊंगा कि भाई कैसे शॉप भी करना है, कैसे खरीदना है, कैसे फ़ोन को डिलीवर करवाना है, कैसे मंगवाना है, सब कुछ मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो चलिए पहले मैं बता दूँ आपको, ऐसे आपको क्या करना है। पहले तो आपको सर्च कर लेना है अमेजोन पर, ठीक है। अमेजोन को ओपन करिएगा और सर्च करिएगा। यहाँ पर सर्च करेंगे हम लोग जियो थ्री फोन्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जियो थ्री फ़ोन करेंगे या जियो थ्री 5G कर लें, ठीक है, सर्च करेंगे तो सर्च में क्या आएगा, कुछ नोकिया के सेट दिखा रहा, कुछ अदर कंपनी दिखा रहा, कोई आईकॉल का दिखा रहा, मतलब बहुत सारे ब्रांड दिखा रहा। तो यहाँ अपना तो कुछ है नहीं जियो का, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। फिर बैक करके देख लीजिए, यहाँ पर फिर एक और चीज़ सर्च कर लीजिए, जियो स्मार्टफोन 5G। तो यहाँ पर जब हम दोबारा से वो जियो स्मार्टफोन 5G को दोबारा से सर्च करेंगे, तब भी भाई यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। नोकिया के फ़ोन दिखाएगा, अन्य सारी कंपनियों के फ़ोन दिखाएगा, वन प्लस के भी दिखाएगा, बहुत सारे भर भर के दिखाएगा, लेकिन जियो का नहीं दिखाएगा। तब आपको क्या करना है भाई, मैं बता दूं, तब आपको सिंपल सा एक काम और करना है कि एक बार और सर्च करके देखिएगा फ्लिपकार्ट पे। चलिए फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देख लेते हैं जल्दी से। फ्लिपकार्ट को जैसे ही खोला, यहाँ पर लिखेंगे जियो थ्री 5G। यहाँ सर्च किया भाई, कुछ नहीं मिला। मिला कुछ नहीं मिला। तो इस वीडियो में वही बताएंगे कि मिलेगा कैसे। सर्च करने से यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर मिलेगा कैसे। फिर यहाँ जियो 5G स्मार्टफोन सर्च करेंगे, तब भी भाई कुछ नहीं मिलने वाला। जियो का यानी आपको कीपैड दिखाएगा, वाईफाई दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, सिम भी दिखा सकता है, लेकिन फ़ोन नहीं दिखाएगा 5G। 4G दिखाएगा, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही 3,350 के आसपास मिल जाएगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर अब मेन प्रॉब्लम आती है कि भाई जब दिखाएगा नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे, खरीदेंगे। चलिए उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो भाई उसी पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, अभी तक तो यहाँ पर सर्च किया, अब चलिए गूगल पर सर्च करते हैं इसी चीज़ को, जियो थ्री 5G फोन्स। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, गूगल पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपल सा क्या करना है, एक इंडिया मार्ट की जो वेबसाइट दिख रही है सबसे पहले नंबर पर, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए इसके रेट से लेके हर चीज़ आपको मिल जाएगी, क्या क्या मिलने वाला है फ़ोन के अंदर ये भी दिखेगा कम्प्लीट। तो यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं लोग। देखिए सैमसंग का लोग दिखा रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता ये जियो का फ़ोन है भाई, ये पक्का सैमसंग का ही फ़ोन है, समझ रहे। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे, आप देखते रहिए थोड़ी देर, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा कम्प्लीट तरीके से, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि फ़ोन करके ऑर्डर को भी लगवा सकते हैं, आपकी डिलीवरी पहुँचा दी जाएगी, और ये लोग आपको व्हाट्सएप से भी मेल करेंगे। तो ये लोग व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ही दिलीप कुमार, क्या लेना चाहते हैं भाई, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, व्हाट्सअप से भी कनेक्ट करके बात करेंगे अच्छे से, बोलेंगे बुकिंग के लिए आपको इसे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, दे दीजिए, आपसे ज़्यादा नहीं मांगे, दो तीन सौ रुपये पाँच सौ रुपये तक ही मांगेंगे, और बोलेंगे जब डिलीवरी हो तब बाकी का पेमेंट तब कर देना है फ़ोन के बाद, ठीक है। तो भाई अगर आप ऐसे पेमेंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला है। ये गूगल पे या फ़ोन पे स्कैनर से ही पेमेंट करवाते हैं, अधिकतर यही हो रहा है, जियो 5G के चक्कर में यही हो रहा है भाई। हम तो तभी मानेंगे या रिलायंस की जो ऑफिशियली वेबसाइट है जब वो कुछ कह दे, जैसे कि रियलमी की अभी ऑफिशियली वेबसाइट MI से आया था, रेडमी की वेबसाइट से, कि रेडमी 13 लॉन्च हो गया, 12 तारीख के बाद सेल चालू हो जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन या कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, समझ रहे। तो इनके पे भरोसा नहीं करना, किसी भी पे नहीं करना, किसी भी यूट्यूबर से कोई भी बोले कि इस वेबसाइट से खरीद लो, खरीदना ही नहीं है, खरीद लेंगे भाई फुल का फुल कैश ऑन डिलीवरी हो तो, हम 200-300 रुपये दे दें, साले नहीं भेजेंगे तो 200-300 रुपये के अगर उनको 50 कस्टमर भी मिल गए शाम तक तो कितना हो जाएगा, आप ही लोग कैलकुलेटर चला के देख लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल लगभग बिल्कुल फ्रॉड है, अभी तक आया ही नहीं है 5G फ़ोन मार्केट में जियो का। जैसे ही आएगा आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा कैसे परचेस करना है। और हाँ, अगर आप 4G खरीदना चाहते हैं तो ये 5,000 का दिख रहा है, कमेंट करो भाई, मैं बता दूंगा आपको कैसे शॉप करना है फ्लिपकार्ट अमेजोन से, जिसमें आपको 1,000 से 1,500 रुपये तक का
कैशबैक मिल जाएगा, बच जाएंगे आपके 1500 रुपये तक। 5000 में 1000-1500 बच जाएगा तो भाई कम नहीं है। अगर खरीदना चाहते हैं तो कमेंट करो। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।